दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में आज आईपीएल का 24वां मुकाबला खेला गया। इस मैच के बारे में आइए आपको पूरी हाईलाइट बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको लगातार ऐसी अपडेट मिलती रहे। दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं अब दोनों टीमों के बारे में और किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज टॉस राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले खेलते हुए गुजरात टाइटंस की टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से 192 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवरों में, जिसमें अगर बात करें तो वेड ने 6 गेंदों में 12 रन बनाए जिनमें 3 चौके शामिल थे और गिल की बात करें तो 14 गेंदों में 13 रन जिनमें 2 चौके शामिल थे। रविशंकर ने 7 गेंदों में 2 रन बनाए और संजू सैमसन के यहाँ तो कैच आउट हुए, जबकि पांड्या की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन पारी आज पांड्या ने खेली, 87 रन बनाए 52 गेंदों में जिनमें 4 छक्के और 8 चौके शामिल थे। मनोहर की बात करें तो 28 गेंदों में 43 रन जिनमें 4 चौके और 2 शानदार सिक्स लगाए। मिलर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 14 गेंदों में 31 रन बनाए जिनमें 5 चौके और 1 शानदार छक्का शामिल था। बात करते हैं दोस्तों अतिरिक्त के रनों की, तो 4 रन अतिरिक्त के रूप में मिले और कुल मिलाकर के राजस्थान रॉयल्स की तरफ से गुजरात टाइटंस की तरफ से 192 रन बनाए गए 4 विकेट के नुकसान पर। अब आइए बात करते हैं विकेट गिरने की, तो 12 के स्कोर पर पहला विकेट, 15 पर दूसरा और 53 पर तीसरा, 139 पर चौथा विकेट गिरा। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग आई और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बार फिर से मैच शुरू हुआ। दोस्तों ओपनिंग करने आए बटलर और पार्टिकल। बटलर की बात करें तो बटलर ने भी बहुत ही बढ़िया बैटिंग की और 24 गेंदों में शानदार 54 रन बनाए, 8 चौके और 3 छक्के लगाए। पार्टिकल अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जल्दी ही आउट होकर के पवेलियन का रास्ता नाप लिए। पार्टिकल की जगह आए आर अश्विन जिन्होंने 8 गेंदों में 8 रन बनाया और कोई भी इनके बल्ले से चौका नहीं निकला, 1 शानदार छक्का जरूर लगा। अश्विन के आउट होने के बाद सैमसन कप्तान खुद आए और 11 गेंदों में 11 रन बनाते हुए पारी को आगे बढ़ाया। उनके आउट होने के बाद ड्यूशेन ने 10 गेंदों में 6 रन, फिर उसके बाद हेमी मीर ने 17 गेंदों में 29 रन, आर पराग ने 16 गेंदों में 18 रन बनाए। तो इस प्रकार से बहुत ही मेहनत करने के बाद भी राजस्थान रॉयल्स की टीम आज जीतने से रह गई और एक बार फिर से गुजरात टाइटंस ने बाजी मार दिया। तो गुजरात टाइटंस की टीम आज एक बार फिर से जीत चुकी है। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, दोनों टीमों में आप किस टीम को ज़्यादा बेस्ट मानते हैं हमें आप ये ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि क्रिकेट और आईपीएल की ऐसी ही अपडेट आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से पूरी जानकारी दे देते हैं आप लोगों को पूरे हाईलाइट की। दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में आज आईपीएल का 24वां मुकाबला खेला गया। इस मैच के बारे में आइए आपको पूरी हाईलाइट बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको लगातार ऐसी अपडेट मिलती रहे। दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं अब दोनों टीमों के बारे में और किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज टॉस राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीता और दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में आज आईपीएल का 24वां मुकाबला खेला गया। इस मैच के बारे में आइए आपको पूरी हाईलाइट बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको लगातार ऐसी अपडेट मिलती रहे। दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं अब दोनों टीमों के बारे में और किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज टॉस राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले खेलते हुए गुजरात टाइटंस की टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से 192 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर
निर्धारित 20 ओवरों में, जिसमें अगर बात करें तो वेड ने 6 गेंदों में 12 रन बनाए जिनमें 3 चौके शामिल थे, और गिल की बात करें तो 14 गेंदों में 13 रन जिनमें 2 चौके शामिल थे, रविशंकर ने 7 गेंदों में 2 रन बनाए, और संजू सैमसंग के यहाँ तो कैच आउट हुए। जबकि पांड्या की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन पारी आज पांड्या ने खेली, 87 रन बनाए 52 गेंदों में जिनमें 4 छक्के और 8 चौके शामिल थे। मनोहर की बात करें तो 28 गेंदों में 43 रन जिनमें 4 चौके और 2 शानदार सिक्स लगाए। मिलर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 14 गेंदों में 31 रन बनाए जिनमें 5 चौके और 1 शानदार छक्का शामिल था। बात करते हैं दोस्तों अतिरिक्त के रनों की, तो 4 रन अतिरिक्त के रूप में मिले और कुल मिलाकर के राजस्थान रॉयल्स की तरफ से गुजरात टाइटंस की तरफ से 192 रन बनाए गए 4 विकेट के नुकसान पर। अब आइए बात करते हैं विकेट गिरने की, तो 12 के स्कोर पर पहला विकेट, 15 पर दूसरा और 53 पर तीसरा, 139 पर चौथा विकेट गिरा। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग आई और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बार फिर से मैच शुरू हुआ। दोस्तों ओपनिंग करने आए बटलर और पार्टिकल, बटलर की बात करें तो बटलर ने भी बहुत ही बढ़िया बैटिंग की और 24 गेंदों में शानदार 54 रन बनाए, 8 चौके और 3 छक्के लगाए। पार्टिकल अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जल्दी ही आउट होकर के पवेलियन का रास्ता नाप लिए। पार्टिकल की जगह आए आर अश्विन जिन्होंने 8 गेंदों में 8 रन बनाया और कोई भी इनके बल्ले से चौका नहीं निकला, एक शानदार छक्का जरूर लगा। अश्विन के आउट होने के बाद सैमसंग कप्तान खुद आए और 11 गेंदों में 11 रन बनाते हुए पारी को आगे बढ़ाया। उनके आउट होने के बाद ड्यूशेन ने 10 गेंदों में 6 रन, फिर उसके बाद हेमी मीर ने 17 गेंदों में 29 रन और पराग ने 16 गेंदों में 18 रन बनाए। तो इस प्रकार से बहुत ही मेहनत करने के बाद भी राजस्थान रॉयल्स की टीम आज जीतने से रह गई और एक बार फिर से गुजरात टाइटंस ने बाजी मार दिया। तो गुजरात टाइटंस की टीम आज एक बार फिर से जीत चुकी है। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, दोनों टीमों में आप किस टीम को ज़्यादा बेस्ट मानते हैं, हमें आप ये ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि क्रिकेट और IPL की ऐसी ही अपडेट आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से पूरी जानकारी दे देते हैं आप लोगों को पूरे हाईलाइट की। दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में आज IPL का 24वां मुकाबला खेला गया। इस मैच के बारे में आइए आपको पूरी हाईलाइट बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको लगातार ऐसी अपडेट मिलती रहे। दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं अब दोनों टीमों के बारे में और किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज टॉस राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीता और